हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैडमिंटन एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आप अपनी रोज़मर्रा की गेम में अप्लाई करेंगे। इससे मुराद ये है कि ये लाजमी होता है और इसको आप करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे आपकी गेम बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से जो आज शेयर करूँगा कि आपको एक अच्छी गेम के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप गेम खेलते हैं, बैडमिंटन से हट के भी बात कर रहा हूँ, तो उस गेम को तभी बेहतरीन खेला जाता है जब एक इंसान को उस गेम का शौक होता है, तो वो उसकी चाहत में सीखता भी है, आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है। अगर आप लोगों को, आप में से कोई ऐसे व्यूअर है जिसने सिर्फ घर में खेलनी है, तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। चाहे वो कुछ ऐसे मर्जी खेले, ड्रेसिंग ये वाली करे जो मैं बताने वाला हूँ या ना करे, इट डजेंट मैटर। मैं बात कर रहा हूँ उन लड़कों की जो सीख रहे हैं, जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं। आप अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी ऐसा करते देखेंगे तो जो सीखने वाले हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अपनी ड्रेसिंग ऐसी कर लेनी चाहिए, आप लोगों के लिए बेहतर है। और उसके मैं वजूहात भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें, कुछ लोगों के बाल बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मेरे खुद के देखें काफ़ी बड़े हुए हैं। वैसे मैं 2 महीने से गेम नहीं कर रहा और इसलिए जो है बिजी था काफ़ी, तो हेयर कट वगैरह भी नहीं कराया। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने बालों को बहुत छोटा रखें। उसकी वजह यह है, मेरे बाल नॉर्मल होते हैं और अक्सर ऐसा होता है जब मैं गेम कर रहा होता तो पसीने की वजह से ये हो जाते हैं भारी, तो भागते हुए आँखों में लगते हैं, तो गेम डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी गेम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी अटेंशन गेम से हटके उस चीज़ की तरफ चली जाए, ख़ास तौर पे वो आपकी बॉडी पे तो नहीं होनी चाहिए। तो उनमें से सबसे पहले आते हैं बाल। बाल आपके छोटे होने चाहिए, और अगर आपके नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल हों या छोटे हों, दोनों सूरतों में आप हेड बैंड को लाजमी यूज़ करें। इसकी वीडियो अभी आपके सामने आ रही है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं इधर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हेड बैंड को यूज़ करें। वो एक तो आपके पसीने को रोक लेगा, यहीं पर हैवी स्वेट जिसको होता है उसकी आंखों में पसीना भी आता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी इरिटेशन रहती है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे हम बात करेंगे अब कपड़ों के बारे में। कपड़ों में यूँ होता है कि आप कोशिश करें बैडमिंटन के लिए लाइट वेट कपड़े को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि खेलते हुए इंसान को स्वेट होता है, पसीना आने के बाद कपड़े हो जाते हैं भारी, जिससे इरिटेशन भी होती है। और वैसे तो मैं टी शर्ट के हवाले से बात करूँ, टी शर्ट में आपको ड्राई फिट टी शर्ट में रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह यह है क्योंकि एक बहुत लाइट वेट होती है, उसके बाद ये आपके जो है पसीने को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। इसके बाद आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन का ये इशू रहता है कि जिनको पसीना आता है वो पसीना जब अब्जॉर्ब होता है तो वो शर्ट काफ़ी भारी हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब उससे नीचे अक्सर लोग जो है ट्राउज़र पहन के गेम करते हैं, तो पहले मैं बता दूं कि ट्राउज़र बैडमिंटन के लिए नहीं, बैडमिंटन प्लेयर ट्राउज़र से खेले ही ना, ट्राउज़र से नुकसान बहुत हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। 2 एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि ट्राउज़र नीचे से उसका जो पोंछा होता है काफ़ी खुला होता है, जिसकी वजह से अगर पोंछा खुला नहीं भी है, नीचे से अगर ग्रिप भी लगी हुई, फिर भी वो कपड़ा आपस में टकराता है भागते हुए जब टांगें करीब से गुजर रही होती हैं। तो मेरे जो 2 एक्सपीरियंस है वो ये हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ था, ट्राउज़र का पोंछा जो है शू के नीचे फंसा, जिसकी वजह से मैंने जैसे ही स्टेप लिया था और मैं फ़ौरन ही नीचे गिर गया था। दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ये हुआ है कि भागते हुए जब कपड़ा अड़ता है तो बंदे का जहन गेम से हट के उस साइड पे चला जाता है, तो जिससे जो है गेम डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होती है। तो बेहतर होता है आप शॉर्ट्स भी यूज़ करें, लेकिन शॉर्ट्स भी आजकल बहुत फैशनेबल आ चुके हैं, कुछ घुटनों से नीचे तक आए हैं जिन पर ग्रिप लगी होती है, लोग अक्सर वो पहन लेते हैं कि स्टाइल का स्टाइल हो गया और गेम की गेम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। वो गेम के लिए नहीं बना हुआ, गेम के लिए जो प्रोफेशनली गेम के लिए है वो है शॉर्ट्स, जो आपकी, वैसे मैं तो कहता हूँ आप घुटनों तक पहन लें अगर कोई इंसान पहनना चाहता है। वैसे प्रोफेशनली जो है आपको अपने मिड थाई, जो आपके थाई के मिड तक आते शॉर्ट्स, उनको यूज़ करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं खेलते हुए, आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं, आप बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, आप अचानक डिफेंड कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो एक तो लाइट वेट है, दूसरा आपके कहीं पर भी कपड़ा फंस नहीं रहा। मेन चीज़ जो मैं एक बताना चाहता था वो ये है कि कपड़ा जो आप यूज़ करें, खासतौर पर टी शर्ट, वो खुली नहीं होनी चाहिए, वो आपकी फिट होनी चाहिए जिस्म के साथ। खुले कपड़े जब होते हैं तो उनमें जब पसीना था तो वो भी जो है ना भारी होने की वजह से काफ़ी आपका माइंड जो है गेम से हटा सकते हैं, तो इसकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सॉक्स की तरफ। सॉक्स अमूमन लोग घरेलू यूज़ कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम शूज़ में यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मल सॉक्स एक तो लूज़ बहुत जल्दी होती हैं, दूसरा क्या है कि पसीने के बाद जो है ना वो स्लिप होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए स्पेशल आपको सॉक्स यूज़ करनी पड़ेगी, अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर बकायदा ऊपर ग्रिप लगी होती है। और ये स्पोर्ट्स की सॉक्स होती हैं, नॉर्मल अवेलेबल हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल जगह से मिलेंगी, जहाँ से जैसे आप नॉर्मली वो सॉक्स लेते हैं मैच शूज़ के लिए, तो जहाँ से आप बैडमिंटन रैकेट लेते हैं या एक्सेसरीज ले रहे हैं आप वहाँ से ये सॉक्स भी ले सकते हैं स्पोर्ट्स की।
आप ये यूज़ करें, ये फिटिंग में होती हैं। दूसरी बात, ये थोड़ा सा मोटी होती हैं जिसकी वजह से आपके पैर में कुशनिंग भी हो जाती है और आपको जो है फिटिंग की वजह से जो है पसीना भी अब्जॉर्ब ईजीली कर लेती हैं। दूसरा शूज़, अब हम अक्सर जो मैंने खुद देखा है, मेरे अपने दोस्तों में भी होता है कि स्नीकर्स वगैरह को भी यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल जोगर्स को, रनिंग जोगर्स जैसे कहते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोर्ट में खेल रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से परफेक्ट शू चाहिए और आप उसी शू को लें जो बैडमिंटन के लिए बना हुआ है। डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। और आप देखेंगे इस जो बैडमिंटन का शू होता है उसके नीचे बकायदा एक रबड़ लगा होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपका कोर्ट पर ग्रिप रहे। उसके अलावा इसमें थोड़ी सी कुशनिंग भी होती है जिससे आपको एंकल वगैरह में इशू इंजरी नहीं हो सकती। और आपकी जो सॉक्स होती है उस पर एक प्लस पॉइंट होता है स्पोर्ट्स की सॉक्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक होती है रिस्ट बैंड जो आपके इधर रिस्ट पे आती होती है, आप इसको भी पहने। ये भी आपके सामने फोटो शो हो रही होगी। इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो पसीना होता है आम का, वो ये इसको यहीं पे ही रिस्ट पे ही रोक लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी और आपके हाथ तक नहीं आने देगी। हाथ आपका बिल्कुल खुश रहेगा वाइल प्लेइंग। इसके अलावा जब आप हार्ड स्मैशेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके हाथ के जो जर्क्स होती हैं इसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी गेम की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से क्लोथिंग के वाइज आपके जो है डेली गेम के लिहाज से। इसको आप अप्लाई करें डेली गेम में, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आपकी गेम ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और काफ़ी हद तक गेम में जो सबसे बड़े इश्यूज आते हैं वो ये होते हैं कि आपका माइंड गेम से हट रहा होता है ड्यू टू सम इश्यूज। वो कोई भी इशू हो सकता है, जैसा कि आपकी सॉक्स का हो सकता है, शू का हो सकता है, आपकी क्लोथिंग का हो सकता है, आपके पसीने का हो सकता है। तो ये मैंने कोशिश की है, मैं आपको वो बातें बताऊँ जिसमें ये सारी बातें कवर हो जाएँ इश्यूज वाली, ताकि आप जब खेल रहे हो तो आपका प्रॉपर माइंड गेम की तरफ हो, ना कि अपने इन छोटे मोटे इश्यूज़ की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।